नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पर्पल ओशन स्टूडियो में। आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने लिए ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कोरल में, जहाँ पे हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ ट्रांजिशन। यहाँ पे यूनिट मैं चेंज कर लूंगा पिक्सल्स में और मैं विड्थ रखने वाला हूँ 1920 पिक्सल और हाइट 1080 पिक्सल। कलर मोड भी चेंज कर दूंगा, मैं इसे RGB में रख रहा हूँ और ओके। अब हमारे सामने कैनवस है, हम पूरे कैनवस के बराबर एक रेक्टेंगल लेंगे जिसे हम एक स्लाइड के जैसे अरेंज कर देंगे। अब मैं इस स्लाइड की डुप्लीकेट ले रहा हूँ और इसकी मल्टीपल डुप्लीकेट्स ले लूंगा। फिर हम इसे टॉप अलाइन कर लेंगे। अब मैं राइट टू लेफ्ट इसे ब्लैक टू व्हाइट कलर शेड दे दूंगा। अब मैंने एक नया पेज ले लिया है, यहाँ पे मैंने एक स्लाइड को रख कर उसको एक्सपोर्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना ले रहा हूँ शेड, क्योंकि मैं यहाँ पे कलर शेड्स रखने वाला हूँ और अब हम इसे PNG में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जो भी सेटिंग्स यहाँ पे हैं उसी सेटिंग्स के साथ हम डिफॉल्ट ओके कर देंगे। मैं इसे सेंटर कर रहा हूँ, पर सेंटर करना कोई कंपलसरी नहीं है। दूसरी स्लाइड को भी हम सेव कर लेते हैं। इसी तरह से सारी की स्लाइड्स को हमने सेव कर लिया है और अब हम प्रीमियर पे आ जाते हैं। प्रीमियर में अब हम सारी स्लाइड्स को इंपोर्ट कर लेंगे। सारी 8 स्लाइड्स को अब हम हर एक स्लाइड को पर्टिकुलर लेयर पे रखेंगे। सारी 8 स्लाइड्स को हमने 8 लेयर पे रख लिया है। अब हम सारी स्लाइड्स को अरेंज कर देंगे जैसे हमने कोरल पे बनाया था। ध्यान से देख लीजिएगा कहीं कोई स्लाइड एक दूसरे के ऊपर न रह जाए। अब हम सभी में मोशन देंगे। तो सबसे पहले हेडर को मैं लास्ट फ्रेम पे रख लेता हूँ और एक एक करके सभी पे की फ्रेम ऐड कर देते हैं। इफेक्ट कंट्रोल में जाकर मोशन के अंदर पोजीशन पे मैं की फ्रेम ऐड कर दूंगा। इसमें एनिमेशन देंगे तो एक्स वाई पोजीशन को हम आउटसाइड द स्टेज सेम रखेंगे। स
सभी स्लाइड्स की एक्स वाई एक्सेस को हम एक पेपर पे नोट कर लेंगे। अब हम हेडर को फर्स्ट फ्रेम पे रखेंगे और सभी की एक्स एक्सेस की पोजीशन को हम माइनस में लिख देंगे। यहाँ पे मैं रेफरल ले रहा हूँ नीचे वाली पीएनजी को। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एनिमेशन कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है। हमें एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए दोनों फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेना है और अब इसमें ऑटो ब्रीज दे देना है। इसको थोड़ा सा और हम सुधार लेंगे जिससे एनिमेशन और स्मूथ हो जाए। अब हम ऐसा सभी लेयर्स पे करेंगे जिससे सभी लेयर्स का एनिमेशन स्मूथ रहे। जहां पे एक्स एक्सिस की पोजीशन मुझे और थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत लग रही है, मैं उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ले रहा हूं। अब आप देखेंगे कि जो हमारा एनिमेशन है काफी स्मूथ हो गया है। हमारा एनिमेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम इन सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और इन्हें एक 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 दो दो फ्रेम आगे की ओर पोजीशन कर लेंगे। इससे होगा क्या, एनिमेशन है उसकी स्पीड में थोड़ी और वेरिएशन आ जाएगी। बढ़िया। अब आप देख पा रहे होंगे हेडर को लास्ट पोजीशन करते ही सारी स्लाइड्स गायब हो जाती हैं एक को छोड़ के। तो हम सभी स्लाइड्स को हेडर तक ड्रैग कर लेंगे। अब हमें कैनवस पे सारी स्लाइड्स शो होंगी। इन्हें हम सब फिर से सेलेक्ट करके नेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं एक नाम दे रहा हूँ, स्लाइड मैट ट्रांजिशन। हमारी ट्रांजिशन अब रेडी है। अब हम इसमें वीडियोस इंपोर्ट करेंगे और देखते हैं हमारा ट्रांजिशन जो हमने बनाया है वो वर्क कर भी रहा है या नहीं। हम ये वीडियो यहां रख लेते हैं और सेकेंड लेयर पे हम दूसरी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। इसे मैं कट करना चाहता हूं, पर पहले मैं अपनी ट्रांजिशन को स्पीड अप कर दूं। इसे मैं 300% पे रख रहा हूं। वीडियो को मैं आगे से थोड़ा सा चॉप करूंगा
अब आप देख पाएंगे कि हमारे ट्रांजिशन ऊपर दिखने लगी। अब हम इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे और मैट की यहाँ पे ड्रैग करके लेके आएंगे। तो मैं ढूंढ लेता हूँ मैट। नीचे देखेंगे आप तो ट्रैक मैट की आ गया है। अब हम इसे ड्रैग करके नीचे वाले सेकंड लेयर पे डाल देंगे। अब हम इफेक्ट कंट्रोल पे जाएंगे, नीचे यहाँ पे होगा। अब मैट पे मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ 3। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांजिशन पूरी तरह से वर्क कर रही है। अब मैं इसे फाइनल रेंडर कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल इफेक्ट। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको 3 और ट्रांजिशंस के ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। और प्लीज़ 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 दोस्तों, अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लगता है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।